सत्ता पक्ष और गठबंधन प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ की जनता का चुनाव को लेकर के क्या मूड है, क्या कहते हुए नजर आ रही है, देखिए संवाददाता जय शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है 5वें चरण की। ऐसे में 5वें चरण में लखनऊ की भी 2 सीटें आती है, जिसमें लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट जो इस बार 5वें चरण में जिसमें मतदान होना है। ऐसे में मोहनलालगंज की जनता क्या कहती है जानने के लिए हम इस वक्त मोहनलालगंज में हैं, और ये मोहनलालगंज तहसील है जहाँ पर तमाम वो लोग आते हैं, हर रोज अपने काम के लिए पहुँचते हैं। आखिर यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, क्या प्रत्याशी चुनती है। हालांकि आपको यहाँ की अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो सियासी समीकरण इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी से तीसरी बार जो कौशल किशोर हैं उनको टिकट दिया गया है। हालांकि वो 2 बार से लगातार सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं, जिसको लेकर के उनको तीसरी बार टिकट दिया गया है। तो वहीं जो अगर हम सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो वहाँ से उन्हें आरके चौधरी को टिकट दिया गया है। आरके चौधरी का इतिहास बता दें तो वो लगातार मोहनलालगंज से करीब 3 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में दोनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि बसपा ने भी कहीं ना कहीं इसमें जोर आजमाइश की है। अभी कल ही मायावती ने रैली किया और अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहां से जो राजेश रावत हैं, यानी राजेश रावत और मनोज प्रधान, उनको बसपा से टिकट देकर के मैदान में उतारा है। मोहनलालगंज बताया जाता है कि SC बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी वजह से आरक्षित सीट है। आखिर क्या कुछ जनता का मानना है, क्या कुछ कहना है, जानते हैं। सबसे पहले कुछ लोग बैठे हैं उसे जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम स्वरूप पांडे। पांडे जी ये बताइए, अगर मोहनलालगंज की जो चुनावी समीकरण की बात करें तो उसके हिसाब से कौन फिर बैठ रहा है? इंडिया गठबंधन आरके चौधरी। हाँ, किस लिहाज से क्या कुछ आपको लग रहा है यहाँ पे? कौशल किशोर 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 10 सीट नहीं लगवाया है यहाँ विकास के नाम पर। समझ लो केवल राजनीति के मुकदमे से जनता बहुत व्याकुल हो गई है, इसलिए भाजपा का सफाया है। इंडिया गठबंधन का यहाँ से सांसद चुनते दिल्ली पहुँचा है। आपको लगता है इंडिया गठबंधन जीतेगा यहाँ पे? आप बताइए क्या कुछ नाम है आपका? देवेन जी, आपको क्या लगता है यहाँ के अगर समीकरण पर? जनता बदलाव चाहती है। हेलो, बदलाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपसे बात करेंगे, युवा हैं, कहाँ रहते हैं आप ये बताइए। जी हम होते हैं मोहनलालगंज की अगर बात करें, क्या कुछ लगता है यहाँ पर, क्या इस बार होने वाला, कमल खिलेगा या साइकिल चल रही है? अभी तक तो कमल खिला हुआ था, अभी तक खिला था, मगर इतना सब कुछ देखने के बाद में जो काम को अगर देखा जाए तो उस नतीजे पे इस बार साइकिल चल रही है। बिल्कुल, इस बार इनका मानना है साइकिल। और भी पीछे तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है। अगर हम मोहनलालगंज की बात करें, मोहनलालगंज लोकसभा की अगर बात करें, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ समीकरण बन रहा है इस बार? समीकरण बीजेपी जीतेगी ये तो पक्का, इसमें कोई जोर नहीं जी। और जो है प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, तिवारा फसल किशोर को टिकट दिया गया तो मतलब एक बार आपको लगता है तिवारा फिर वो सांसद बन जाएगा? सांसद बन जाएगा तिवारा फिर। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या कुछ पसंद आया बीजेपी में, क्या कुछ कामकाज आपको समझ में आया? लगभग सभी काम समझ में आ रहे हैं, किसान निधि हो गई, ऐसे बहुत ही कार्य हैं जो समझ में आ रहे हैं। अच्छा आप बताइए भाई, क्या कुछ टक्कर आपको लग रहा है कि टक्कर रहने वाली है? टक्कर तो है लेकिन आशा यही है कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी। और कौशल किशोर को लोग नहीं ये समझ कर दे रहे, तो मोदी को देखकर यहाँ वोट दिया जा रहा है। बीजेपी के ज़्यादा संभावनाएं हैं और मुकाबला है दोनों प्रत्याशियों में, कड़ा मुकाबला रहने वाला है 20 तारीख के चुनाव में। लोगों का यही मानना है कि जो 20 तारीख का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो सपा कांग्रेस गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला रहने वाला है। आपका क्या नाम है? क्या लग रहा है मोहनलालगंज के समीकरण की बात करें तो क्या कुछ बन रहे हैं इस बार समीकरण? टक्कर है कौशल किशोर और आरके चौधरी। जीत किसकी हो सकती है? कौशल किशोर। अच्छा क्या कुछ आपको समझ में आया, अगर लोग पिछले काम काजों की बात करें तो क्या कुछ आपको समझ में आया? काम काज के मामले में कौशल किशोर सही है लेकिन फिर भी मोदी मजबूरी इसलिए। दादा मैं देख रहा हूँ आप झोला लेकर के यहाँ कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कौन से गांव से हैं आप? मोहनलालगंज लोकसभा लगती ना। अच्छा करते क्या हैं आप? खेती किसानी। अच्छा बीजेपी में कहा गया था कि किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लग रहा आपको किसानों का उत्थान हुआ है?
इस बार अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें, किसके समीकरण बन रहे हैं, यहाँ से किसकी सीट निकल रही है, आपको क्या लगता है? मोला मोदी निकल रहे, लेकिन खड़े तो कौशल किशोर है ना, किशोर है तो भाई है, मोदी के लिए तो भाई है, मोदी को वोट देंगे लोग तो कौशल किशोर पाएंगे। बिल्कुल तो काम नहीं करेंगे, सही है, बिल्कुल। महिलाएं भी दिख रही हैं मैम, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, आप बताइए आपका क्या कहना पड़ेगा। बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है। जी बताइए क्या कुछ लग रहा है, यहाँ का समीकरण क्या कुछ बनता है? समीकरण ये है कि मोदी साहब की तरफ से भैया दूसरी कौशल भैया जीतेंगे। काम काज की बात करें तो काम काज बढ़िया हुआ है, देखिए देखा जाए तो हर क्षेत्र में भैया हर क्षेत्र में काम हुआ है, जैसे कि आवास है, ठीक है, पेंशन है, और नई नई जितनी भी योजनाएं आई है सारी लागू हुई है और सारी काम मतलब सारी योजनाएं हो रही हैं। महिलाओं के उसमें क्या कुछ हुआ है? क्या महिलाओं को देखिए सबसे बड़ी बात ये देखा जाए तो उनको सुरक्षा बहुत अच्छी मिली है इस सरकार में, हम यही बता सकते हैं सबसे। तो आधी आबादी इस बार बीजेपी के साथ है? आधी आबादी नहीं है, फिलहाल जितना काम किया है। नहीं, महिलाओं को आधी आबादी बोला जाता है, क्या लगता है? महिलाएं अधिकतर अधिकतर हैं, बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं दादा, आप बताइए क्या नाम है आपका? संतोष जी, क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करता। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस बार मोहनलालगंज का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बनता है? जो जनता बनाएगी वही बनेगा। जनता क्या बना रही है? जो जनता बनाएगी वही बनेगा, क्या बता दें आप? नहीं, आप किसको बना रहे हैं? आप भी तो हैं जनता ना। हम भी जनता, फिर हम तो मोदी जी को बना रहे हैं। मोदी जी को बना रहे हैं। मोदी जी का कामकाज में क्या कुछ अच्छा लगा? हमको सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा, बिल्कुल। पीछे और भी कुछ लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं कि आखिर पानी भी नहीं पीने दिया, क्या नाम है आपका? मेरा अजय यादव। अजय जी, ये बताइए कि मोहनलालगंज का अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें, क्या कुछ लग रहा है आपको? बढ़िया है, समीकरण बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ कौशल जी का जबरदस्त विरोध है।